वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। गंभीरता से यदि हम विचारते हैं तो हम ये पाते हैं कोई भी क्षेत्र जोखिम से खाली नहीं हुआ करता। लौकिक क्षेत्र में मानकर चलिए, स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है हर बार वो टॉप करे। अच्छा टॉपर को भी दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं, फेल भी हो सकता है वो। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। कोई बहुत अच्छा वर्ल्ड नंबर वन एक्टर है, उसकी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, रातों रात ज़ीरो हो सकता है। कोई अच्छा क्रिकेटर है, वर्ल्ड नंबर वन, सचिन तेंदुलकर पर ये नौबत आई थी कभी, 200 मैचेस पर जीरो पर जा रहा था तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, इसको टीम पर रखा जाए कि नहीं रखा जाए। उदाहरण कई है। हम नौकरियां करते हैं, गृहस्थी करते हैं, धंधा करते हैं, हर एक क्षेत्र में हमको रोजाना कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है। लेकिन आती हुई बाधाओं को देखकर हम उसको मुकर कर, उसको छोड़कर भाग जाने की नहीं सोचते हैं। वहीं पर खड़े रहकर कैसे रास्ता निकल सकता है उसी का विचार करते हैं हम। एक दिन धंधा नहीं हुआ तो दुकान बंद करने की नहीं सोचता है वो, क्योंकि रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस, आज यहाँ कल वहाँ जाएगा। भैया जहाँ पर भी चालू करोगे महीना साल भर तुमको ये लिफ्ट करने में ऐसा ही लगेगा। नौकरी जिस क्षेत्र में चालू करोगे, जहाँ पर जाओगे, पुराने जो जमे लोग हैं तुम्हें जमने थोड़ी देंगे, तुम्हें समस्या यहाँ की थोड़ी है, हर सेक्टर में ये बात है। और इस डर से कोई मैदान ही छोड़कर जाने लग जाए तो ये कोई रास्ता नहीं हुआ करता। वहीं पर खड़े रहकर मार्ग निकलने का प्रयास किया जाता है। एक प्रसिद्ध बात आती है कि क्या, गिरते हैं सहसवार जो मैदाने जंग चढ़े, वे तिफलक क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चढ़े चले। फिर से मैं गिर न जाऊँ इस डर से कोई खेल में ही भाग नहीं ले रहा है तो वो तो सबसे बड़ी गिरावट है उसके जीवन की। नीतिकारों ने इसलिए यहाँ तक कह दिया है, भर्तृहरि नाम के हमारे दिगंबर आचार्य हुए हैं जो कभी भ्रमित हुए थे और उनको स्थितिकरण हेतु उनके भाई ने सुभाषचंद्र आचार्य देव ने ज्ञानारण्य ग्रंथ लिख कर उनको शिक्षा देकर उनको स्थितिकरण किया था। दिगंबर आचार्य की मैं बात कर रहा हूँ। इन दिगंबर मुनि ने जब नीति शतक लिखा है उसमें बहुत सुंदर नीतियाँ लिखी है। एक नीति तो मैं तो वे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य को तो देखते हैं लेकिन आगे एक कदम भी बढ़ने का प्रयास नहीं करते, वे ये वहीं पर हार मान जाते, ये हमारे बस की नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे प्रकार के, जो चालू तो करते हैं बड़े उत्साह से, हमारी फील्ड नापना चाहिए, हमने धर्म मार्ग में कितने उत्साह से कदम बढ़ा, नियम लिया, प्रतिज्ञा ली, दुनिया के सामने हमारा कुछ हुआ कि इनका जीवन अच्छा है, और थोड़े में ही न जाने क्या हो गया, बाद में वैसी कोई बात नहीं रही जैसे प्रारंभ में 2-5 साल रही, 5-10 साल बाद में अपने आप नहीं रही। एनीवे,
दूसरे जीव वे हैं जो आगे चलना प्रारंभ तो करते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते ही नहीं, बीच में ही गाफिल हो जाते हैं, या तो किसी की निंदा से गाफिल होते हैं या तो प्रशंसा से गाफिल होते हुए आगे नहीं बढ़ते। विरले जीव वे हैं, सच्चे सिकंदर वे हैं, जीत के खेल के खिलाड़ी वे हैं जो निंदा और प्रशंसा और रोजाना आने वाली बाधाओं को भी गौन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही है। और एक नीति लिखी, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। टोडरमल जी ने इसे कोट किया है। जो नीतिवान पुरुष है, नीतिज्ञ जीव है, वे कोई निंदा करो अथवा प्रशंसा करो, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। लक्ष्मी आए चाहे पूरे कंगाल हो जाए दो, अद्यैव वास्तु मरणम तु युगांतरे वा। आज अभी यही मरण आ जाए अथवा युगांतर तक प्रतिकूलता वाला जीवन जीना पड़े, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति में, अमीरी में, गरीबी में, सरोगावस्था में, निरोगावस्था में, निंदा में, प्रशंसा में, कैसी भी अवस्था में, न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीर। धीरवान पुरुष न्याय से किंचित भी पीछे नहीं हटते हैं, डिगते नहीं हैं। आइए, कल का प्रारंभ मैंने किया था, रुकना बात अलग है और चलित होना बात अलग है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, मैं अटका जरूर हूँ, बात को पूरी करिए, लेकिन मैं भटका नहीं हूँ। समझौता करने की नौबत जरूर आई है मेरे ऊपर, लेकिन मेरी समझ नष्ट नहीं हुई है। सविकल्प साधक की मैं अभी बात कर रहा हूँ। फिर से मैं अटका हूँ लेकिन भटका नहीं हूँ, एक। दूसरी बात, समझौता करने की नौबत मेरे ऊपर आई तो है लेकिन मेरी समझ नष्ट नहीं हुई है, दो। इसी में रुककर मैं थोड़ा और कहूँगा। समझ का मतलब धर्म होता है, समझौता का मतलब धर्म नहीं हुआ करता, लेकिन समझौता के रूप में कदाचित थोड़ा रुकना पड़े तब भी वो समझौता आगामी बढ़ने के लिए एक ताकत पैदा करने के लिए वो संबल देता है। फिर से वो जो थोड़ा रुके हैं वो आगे बढ़ने की ताकत बढ़ाने के लिए रुके हैं, रुकने के लिए, मुड़ने के लिए नहीं रुके हैं। इसलिए मैंने कहा जो समझौता हमने किया है वो समझ का कारण होने के कारण भी उसको उपचार का धर्म कहते हैं। आज के प्रकरण में व्यवहार देखिए ना भाई साहब, आप यहाँ आकर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, ग्रंथ सब लेके बैठे, ये क्या चल रहा है सब? ये समझौता चल रहा है, समझौता परिस्थिति के साथ, क्योंकि जिनके बस की होती अरे वे महाव्रत आदि भी नहीं आजमाते, वे व्यवहार का आलंबन ही नहीं करते, क्योंकि सच्चा मोक्ष मार्ग तो आत्म स्वभाव में स्थिर होना है और मोक्ष मार्ग का ड्यूरेशन 48 मिनट में ही पूरा होता है, मोक्ष की केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन नहीं बन रही है हमसे तुमसे। इसलिए ये समझौते के मार्ग है, ये मंदिर स्थापित करना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, यहाँ तक क्या जयचंद जी कहेंगे, ये अनुव्रत है, ये महाव्रत है, यह सत्संग है, यह सब समझौता है, समझौता किया हुआ माना, यह धर्म नहीं है। लेकिन यह समझौता नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। 5-6 दिन की पहले मैं एक बात कह रहा था, कोई मुनिराज यदि ये कहे मैं आहार करने के लिए जाऊंगा, विहार करूंगा, निहार करूंगा, ग्रंथ लिखूंगा, लिखाऊंगा तो लेप हो जाएगा, तो आचार्य देव ये कहते लेप होगा ये तो माना, लेकिन ये लेप, ये समझौता यदि अभी तुम स्वीकार नहीं करते हो तो न चाहते हुए भी बर्बस्ता से तुम्हें
अल्पलेप के बचने की कोशिश से तुम्हें महालेप को प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा नुकसान जानकर भी बिजनेस पॉलिसी के रूप में थोड़ा घाटा उठाओ, क्योंकि थोड़ा घाटा अभी उठाकर उसी के बीच में पूर्ति का पूरा विकल्प करके और आगे बढ़ सको। और ऐसे घाटे रोजाना हर एक बिजनेसमैन को आते हैं। अभी अंबानी कितना गिर गया था लॉकडाउन चालू हुआ था तब, अभी फिर से एकदम फ्लरिश, एकदम टॉप पर आया, एकदम रोते धमकते थोड़ी बैठते हैं अभी बंद करो, ये कोई बात नहीं है। 28 मूल गुण का पालन है, रोजाना ये शुद्ध खान पान में जितना समय जाता है, जितना सदाचार है, यह सब समझौता चल रहा है, समझौता यह सब करना पड़ता है। क्योंकि यदि यह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि भूखे पेट अभी नहीं रह सकते हैं मुनिवत, तो फिर भक्ष भोजन का तुमको इतना विकल्प करना पड़ेगा, 10-20 ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर वो कैसे भैया, अभी 3-3 दिन की मर्यादा है, 7-7 दिन तो बुरे की मर्यादा है, फिर 7-7 दिन में ये कैसे करते रहो, ये नहीं करेंगे तो ठेठा भक्ष खाना पड़ेगा, जिसमें सम्यक्त की पात्रता भी नष्ट हो जाएगी। ये सब बरकरार रखिए तो ऊपर चढ़ने के अवसर तुम्हें बरकरार रहेंगे। साहित्यिकों ने बहुत अच्छा कहा है, मैं थककर बैठा हो हार कर नहीं। एक इसी प्रकार ये सब थकाने हैं, हारा नहीं है इसमें से कोई। बहुत सुंदर गाथा चल रही है, जो परम भाव में स्थित है उनके लिए तो शुद्ध द्रव्य का उपदेश करने वाला शुद्ध नहीं ही कार्यकारी है, लेकिन जो अपरम भाव में स्थित है ऐसे जीवों को व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। और ये गाथा कुल मिलाकर ये कहती है, निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बीच में कह देता हूँ, ये जो बहस चल रही है बहुत टाइम से, कोई कहता है व्यवहार को उपादेय मत कहिए, और कल हमने देखा जयसेन स्वामी ने कहा व्यवहार उपादेय है। हम माने क्या, मैं आपको एक निष्कर्ष की बात कहता हूँ जो टोडरमल जी ने हमको गाइडलाइन दी है, प्रश्न उत्तर में इसको डाला है भाई साहब। एक प्रवृत्ति की अपेक्षा बात है और एक श्रद्धा की अपेक्षा बात है। प्रवृत्ति की अपेक्षा व्यवहार अथवा पुण्य कथनचित उपादेय है, पाप तो बिल्कुल ही उपादेय नहीं है, और धर्म सर्वथा उपादेय है। शुद्ध भाव यह प्रवृत्ति की अपेक्षा, और श्रद्धा की तरफ से पुण्य में कथनचित उबाते उपादे पना भी नहीं हुआ करता। तो जिनका यह कहना है व्यवहार को उपादे नहीं मानना चाहिए और किसी भी हालत में नहीं, उनको श्रद्धान की तरफ से बात करनी है। और जो ये कहते हैं कि पुण्य भी उपादे है कथनचित, वे प्रवृत्ति की अपेक्षा बात करते हैं। प्रवृत्ति की अपेक्षा पुण्य व्यवहार कथनचित उपादेय है, लेकिन श्रद्धान की तरफ से पुण्य व्यवहार सर्वथा सदाकाल सबको ही है होता है। महत्वपूर्ण बात कह दी। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आज कुछ तात्विक गवेषणा भी करेंगे। मूल विचार का विषय यह है कि अपरम भाव में स्थित जीवों को किसको लेना चाहिए। अमृत चंद्र स्वामी के दिमाग में अपरम भाव में स्थित कौन जीव है, जयसेन स्वामी की दृष्टि में कौन है, और जयचंद जी की दृष्टि में कौन है, और साथ में टोडरमल जी की भी दृष्टि में कौन है, हम चारों को यहाँ पर सामने खड़ा करेंगे। गाथा मूल में क्या कह रही है, निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। ये इकलौती यह टीका है अमृत चंद्र स्वामी की, जिसमें अमृत चंद्र स्वामी जी ने किसी को उद्धृत किया है, उक्तम च कहकर किसी ग्रंथ का कोई कोट किया है, ऐसा पूरी टीका में आत्मख्याति में आपको यह नहीं मिलेगा कि अमृत चंद्र स्वामी ने किसी और को उद्धृत किया है। इस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य ग्रंथ में भले ही उन्होंने उद्धृत किया है। और बहुत प्रसिद्ध छंद है, जय जिनमयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय मुयह, एकेन विना छिज्जैतित्थम अन्येन पुनः तच्चम। जिन जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना हो
वे निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार को छोड़ने से तीर्थ का लोप होता है, निश्चय को छोड़ने से तत्व का लोप होता है। तीर्थ मतलब क्या, थोड़ी मोटी मोटी बातें समझ लीजिए आप, इस गाथा की विषय वस्तु समझ लीजिए। टीका, अभी तक व्यवहार का अर्थ क्या चल रहा था, आठवीं नवीं दसवीं गाथा में व्यवहार का अर्थ क्या बताया जा रहा था, एक ही व्यवहार अभिष्ट था, गुण भेद वाला, गुण भेद वाला, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ऐसा बताया था आठवीं गाथा में म्लेच्छ को। और नवी दसवीं गाथा में वही उदाहरण था, जितना श्रुत ज्ञान है वह सब आत्मा है, श्रुत ज्ञान मतलब गुण कहो, निर्मल परे कहो ये। लेकिन यहाँ पर आज इस गाथा में व्यवहार का अर्थ गुण भेद ऐसा नहीं लेना मात्र, यहाँ पर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कथन है, वस्तु स्वरूप अपेक्षा मात्र कथन नहीं है। इसीलिए जीवों को व्यवहार भी किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। व्यवहार का तात्पर्य पुण्य अनुष्ठान के जितने भी विषय है वे सब, जो कहने में नहीं आते। क्या कहा मैंने, कुछ एक को तो हम गिना देते हैं, तीर्थ यात्रा, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, पानी छान कर पीना, जीव दया का पालन, रात्रि भोजन का त्याग आदि आदि, ये कुछ को हम गिना देते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण औदयिक भाव है, और असंख्यात लोक प्रमाण इतनी एक्टिविटीज पुण्य भाव की देखने में आ सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक मुनि संघ है 100 जन का, और 100 जनों में सबको, 100 जनों का अलग अलग औदयिक भाव हो सकता है। औदयिक भाव मतलब विभाव परिणाम, क्योंकि शुद्ध भाव अनेक प्रकार का नहीं हुआ करता, ना अनेक जीवों में अनेक प्रकार का हुआ करते, ना एक जीव में भी अनेक प्रकार का। लेकिन जो औदयिक भाव अब भी आया, जैसे शास्त्र पढ़ने का, वो अगले समय में विचार करिए तो उनको शास्त्र पढ़ने के बजाय कुछ लिखने का भाव आ जाएगा। अ तो ये रखकर कोई कर्णनियोग का विषय उठाए, कर्णनियोग में भी भूगोल रखकर गणित का विषय उठाए, गणित में भी अमुक गणित का छोड़कर कर्म की फिलोसॉफी का उठाए, इसमें कितने औदयिक भाव हो सकते हैं। कि इसीलिए तो लिखना पड़ा बनारसी दास जी को, औदयिक भाव से यदि कोई गुणस्थान को नापना चाहे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि औदयिक भाव तो 13वें गुणस्थान वर्ती केवलियों के भी नहीं जुड़ते हैं, नहीं जमते हैं, मिलते नहीं है। आगे बढ़ता हो, जिन जीवों को, जिन मत को प्रवर्तन करना है, जिन मत में अथवा प्रवर्तन कराना हो, वे निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़िए। व्यवहार को छोड़ने से तीर्थ का लोप होगा। तीर्थ का मतलब देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप आदि, ये जितने भी अनुष्ठान हैं वे सब उखड़ जाएंगे। ध्यान रखना, मैं तीर्थ का अर्थ मात्र उपदेश नहीं कर रहा हूँ। अनुव्रत महाव्रत का भाव, ये सब तीर्थ, शुभ भाव इज इक्वल टू व्यवहार इज इक्वल टू पुण्य भाव कहो इज इक्वल टू तीर्थ, और तत्व मतलब शुद्ध भाव की विषय वस्तु, जो शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा, जिसको यहां पर 16 वान वाला सोना कहा जा रहा है, और 15 ताव वाले तक का वो अशुद्ध आत्मा की बात है। मैं आगे बढ़ता हुआ भी, तीर्थ का अर्थ यहाँ पर जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं, पहले गुणस्थान में, चौथे के सविकल्प दशा में, पांचवी की सविकल्प दशा में, छठवा तो सविकल्प दशा है, जो जो भी कुछ होता है वो सब तीर्थ है, तीर्थ। और यदि व्यवहार को उखाड़ दोगे तो तीर्थ हट जाएगा, तो फिर क्या क्या फायदा, क्या घाटा होगा? घाटा ये होगा, तुम ठेठ वो रस्सी काट रहे हो जिस रस्सी पर चढ़कर उस शुद्ध भाव की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। इसीलिए कल भी बात हम पढ़ रहे थे, शुद्ध भाव का यह कारण है, कारण टोडरमल जी ने लिखा है अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि के अंतर्गत। क्या लिखा है, यह अरहंतादि की भक्ति है, यह कषाय मिटाने का साधन है, मतलब यह शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है, और इनका लोप करने से एक उत्सर्ग मार्ग ही जिंदा रहेगा। और एक भी जीव ऐसा नहीं है
जो केवल उत्सर्ग मार्ग से आगे बढ़ा है। है कोई देखने में? कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी जीव हो, कितना ही बलशाली पुरुषार्थी, मुनि दीक्षा धारण करने के बाद, मान के चलो आठ वर्ष का हुआ और सम्यक तो लेकर मुनि दीक्षा धारण करी। आप कहेंगे इसको व्यवहार और तीर्थ की क्या आवश्यकता है? और मान के चलिए कदाचित आप ये भी कह सकते हो, वो 28 मूल गुण पालता ही नहीं है साहब, तो उसको भी तीर्थ की क्या आवश्यकता है? ना ना, केवल बाहर की क्रिया नहीं लेना है व्यवहार में। कल मैंने कहा था, जाना हुआ प्रयोजनवान कहकर व्यवहार का विषय वह शुभ भाव, अंदर का शुभ भाव। और इसलिए जो मुनि दीक्षा लेता है वो सातवें गुणस्थान में जाने के बाद फिर छठवें में आता है, फिर सातवें में जाता है, फिर छठवें में आता है, ऐसा निरंतर अप डाउन, टू एंड फ्रो, ऐसा असंख्यात बार करता है। वो जो छठवें गुणस्थान में आया, तीर्थंकर का भी जीव क्यों न हो, जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्ति करनी हो जिसको, वो भी असंख्यात बार सातवां छठवां होगा, तब जाकर श्रेणी चढ़ सकेगा। वो अंतर्मुहूर्त के बीच में इतना होता है, छठवां गुणस्थान अवश्यंभावी है सबको। कुछ ऐसे गुणस्थान है जिसके पाए बिना भी निर्वाण हो सकता है, जैसे दूसरा है, तीसरा है, ग्यारहवा है, चौथा है, पांचवा है, लेकिन ऐसा कोई गुणस्थान नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जो छठवें गुणस्थान के बिना ही मुक्त हो जाए। पहले से सातवें में गया, बीच के कोई अनिवार्य तो नहीं रहे, लेकिन सातवें से छठवें में आना अनिवार्य है असंख्यात बार। कहने का तात्पर्य, यदि तीर्थ का लोप करेंगे आप, छठवें में रास्ता रोको कर देंगे आप, तो ये तो उसकी सामर्थ्य ही नहीं है चढ़ने की अभी, उसको अभी थका है कह रहा है, और जबरदस्ती से दौड़ाओगे मरेगा वो, मरेगा। अति भारारोपण ठीक नहीं है। गाय बैलों को बांधो, अभी उनको थोड़ा खिलाओ, तब जाकर वे काम कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये सब पड़ा है तीर्थ, और यदि निश्चय का लोप करते हैं तो तत्व का लोप हो जाएगा, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्धात्मा है। इन क्रियाओं को करते करते, शुभ भाव को करते करते, यदि शुद्ध तत्व की अनुभूति ही नहीं हो पाई, तो यह सब ड्रामा काई के लिए हो रहा है? यह सब इतना खड़ा किया है, शादी का आयोजन के पीछे मंडप देखा, सब देखा, और दुल्हा ही नहीं है तो क्या फायदा है? अंक बिना की यह सब बिंदिया ही रह जाएगी। ये सब व्यवहार निश्चय के लिए ही हुआ करता है। आज अभी हम ये देखेंगे अपरम भाव का क्या अर्थ किसने लिया है। पहले तो एक बात और हमने कल देखी थी, 15वें वान तक के सोने को किस शब्द से बोला जा रहा है? यहाँ पर अशुद्ध सोना। ये पहले आप दिमाग में रखिए। और केवल 16 ताव को शुद्ध सोना बोला जा रहा है। अभी इसमें भी जो 15 ताव तक का सोना कहा, वह सोना भी अशुद्ध तो कहा, लेकिन साथ साथ कल एक बात बताई गई थी कि अशुद्ध कहा, लेकिन साथ साथ वर्तने वाली शुद्धता भी आपको समझना है। एक नॉर्मली जैसे कहा, अशुद्धता 10वें गुणस्थान तक है, अशुद्धता 12वें तक है, 13वें तक है, मान के चलिए आज के तारीख में 13वां नहीं बोलेंगे, लेकिन अपन मान के चलिए, चलो ऐसा भी बोल सकते हैं, अशुद्धता 14वें तक है। अशुद्धता कहाँ तक है? 14वें तक। व्यवहार की सरहद कहाँ तक है? 14वें गुणस्थान तक है। बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका में मुझे कहना अशुद्धता 14वें तक है, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहे यहाँ पर कि शुद्धता है ही नहीं। आंशिक शुद्धता है ना, और बढ़ती हुई शुद्धता है, गुणस्थान अनुसार बढ़ती हुई शुद्धता है। तो वो अशुद्धता कहा तो शुद्धता भी गर्भित समझना, लेकिन हमें यह देखना है कि अमृतचंद्र स्वामी का अपरम भाव का रूप में क्या अर्थ लिया जा रहा है। मैंने आज काफ़ी सर्च किया भाई साहब, अपरम भाव का अर्थ संस्कृत में कहीं भी मध्यम भाव ऐसा नहीं लिखा है, ऊपर लिखा तो अनुत्कृष्ट भी नहीं है। मैं एक बार अर्थ पढ़ लेता हूँ, टीका आपके सामने है, टीका एक बार देख लेते हैं। जो पुरुष, और जहाँ पर मुझे खोलना है वहाँ रुकूंगा, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान, 16 वान वाला सोना,
उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नहीं होता। यहाँ पर इतना ही कहना चाहते हैं जिसको 16 ताव के सोने का अनुभव हुआ उसको उससे इन्फीरियर सोने का अनुभव नहीं होता, वो उसमें रमता नहीं है, अनुभव नहीं करता मतलब रमता नहीं। लेकिन यहाँ पर शब्द का क्या प्रयोग किया, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव ऐसा किया, ऊपर केवल अपरम भाव ऐसा डाला है संस्कृत में। मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूँ, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव से क्या अर्थ निकल रहा था भाई साहब, कल क्या अर्थ किया था अपने अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का? वैसे मध्यम भाव का क्या अर्थ किया जाता है जनरली, क्या करेंगे? मध्यम कह वो तो अनुत्कृष्ट का अर्थ में है, आपने जो कहा जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट, जो एक नहीं है वो अनेक, दो भी अनेक हो सकते, तीन भी अनेक हो सकते, कोई भी संख्या है इसमें। अनुत्कृष्ट में जो उत्कृष्ट नहीं सो अनुत्कृष्ट, मतलब क्या, मतलब 99 भी अनुत्कृष्ट, 50 भी अनुत्कृष्ट और एक भी अनुत्कृष्ट। और बोलिए आगे, और बोलिए आगे, और कोई गुंजाइश है अनुत्कृष्ट की? नहीं नहीं वो तो ठीक है, और कोई गुंजाइश? 99 से लेकर मैंने एक तक लाया ये सब अनुत्कृष्ट, और कोई गुंजाइश, और कोई गुंजाइश अनुत्कृष्ट में? जीरो, जीरो, ये भी तो अनुत्कृष्ट है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी बात को खोलूँगा। यहाँ पर अनुत्कृष्ट में तो वो अर्थ खुल रहा है, मुझे कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा गुणस्थान अपरम भाव में लगाना यह आचारों की तरफ से निकलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और यहाँ पर तो मध्यम भाव लिख कर संकेत कहाँ की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, संकेत साधक अवस्था की तरफ मुड़ रहा है। आप मानते हैं इस बात को? बराबर मानते हैं, और है, लेकिन मध्यम ये शब्द ऊपर टीका में नहीं आया है। और मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि यदि मध्यम भाव कहेंगे, साधक अवस्था ही कहेंगे, तो मिथ्या दृष्टि को व्यवहार प्रयोजनवान है ये बात इसमें से निकल नहीं पाएगी फिर। और मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, जयसेन स्वामी ने क्या अर्थ किया है अपरम भाव का, वो भी मैं थोड़ा सा लगे हाथ बोल देता हूँ। भाई साहब ये जो मैंने अर्थ किया अभी मध्यम भाव मतलब साधक अवस्था, ये मेरा अनुमानित ही है, ऐसा ही नहीं, मैं जयसेन स्वामी से आइए इसको पुष्ट किए देता हूँ। जयसेन स्वामी क्या कहते हैं देखिए, इसी गाथा की टीका तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की टीका में पढ़ता हूँ। गुणस्थानों का खास वर्गीकरण जयसेन स्वामी ने करके दिखाया, इसलिए मैंने दो तीन दिन पहले कहा था अमृत चंद्र स्वामी जी में जयसेन स्वामी में एक खासियत है, जयसेन स्वामी की एक खासियत है कि वो गुणस्थान में बात कर लेते हैं जो कंपैरेटिवली हमको थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन देखिए क्या कह रही है, वे ये कह रहे हैं जो पुरुष अपरम अशुद्ध भाव में स्थित है अर्थात अर्थात असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से तथा श्रावक की अपेक्षा से सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभोपयोग में, सराग सम्यक दृष्टि लक्षण मतलब सविकल्प दशा जिसको आज तक हम कह रहे थे, सराग सम्यक दृष्टि जो शुद्धता है वो वितराग सम्यक्त्व, जो उसके साथ शुभ भाव चल रहा है वो सराग सम्यक्त्व। ध्यान रखना सराग सम्यक्त्व शुभ भाव है, चारित्र गुण का विकारी पर्याय है ये, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति हुई उसको हमने सराग सम्यक्त्व कहा। सराग इसलिए कहा क्योंकि वो राग भाव है, और ये है सराग सम्यक्त्व श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन नहीं, ये चारित्र गुण का ही परिणमन है, ये चारित्र मुखेन किया गया श्रद्धा का निरूपण ऐसे इसको कहते हैं। फिर से चारित्र मुखेन किया गया श्रद्धा का निरूपण, शुभ भाव को सराग सम्यक तो कहना। मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी आगे बढ़ता हूँ, क्या कह रहे जयसेन स्वामी, हम क्या इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई साहब, अपरम भाव का हम लोकेट कर रहे हैं, तभी आपको सच्ची महिमा आएगी जयचंद जी की एक और टोडरमल जी की।
तो फिर इनकी महिमा का क्या होगा, इनकी तरफ भी आएंगे फिर से। लेकिन खुलकर जयसेन स्वामी ये बोल रहे हैं, देखिए, जो पुरुष अपरमे अशुद्ध भाव में स्थित है, अर्थात असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा श्रवक की अपेक्षा से सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभोपयोग में एक क्या स्थित है, तथा और एक बात करते, तथा प्रमत्त अप्रमत्त संयत की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण में स्थित है जो जीव। अभी प्रमत्त अप्रमत्त में की अपेक्षा जो भेद रत्नत्रय में स्थित है, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त में भेद रत्नत्रय, मतलब ऐसा अर्थ नहीं लेना कि अप्रमत्त में भी कोई भेद रत्नत्रय को बोला जा रहा है। यहां पर प्रमत्त अप्रमत्त के बीच में जो प्रमत्त वाला हिस्सा है वह भेद रत्नत्रय वाला हिस्सा है। तो यहां पर यह कह रहे चौथा और पांचों गुण स्थान का जो सराग सम्यक्त वाली दशा शुभोपयोग रूप, और जो प्रमत्त वाला हिस्सा है जो भेद रत्नत्रय रूप है, ध्यान रखना पांचवें छठवें गुण स्थान के शुभ भाव को भेद रत्नत्रय नहीं बोला जा रहा है। हालांकि छठवें गुण स्थान के शुभ भाव को शुभोपयोग बोला जा सकेगा, सराग सम्यक तो भी कदाचित बोला जा सकेगा, लेकिन भेद रत्नत्रय चौथे पांचवें गुण स्थान के शुभ भाव को बोल नहीं रहे हैं। अभी उन्होंने वर्गीकरण किया चौथे पांचवें का जो शुभोपयोग पार्ट, जिसको अभी हम सविकल्प कह रहे थे, और छठवें गुण स्थान जो भेद रत्नत्रय रूप है, इन तीनों में क्या होता है, कह रहे हैं अपरम भाव में स्थित, मतलब अशुद्ध आत्मा में स्थित, मतलब इन तीनों में स्थित जीव है। किस में स्थित है? उन जीव पदार्थ में स्थित है, यह भावार्थ है। अभी इनको क्या करना, इनको व्यवहार नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह प्रयोजनवान होता है। किन के लिए? अभी जो गिना है इनके लिए। इतना सब कहकर क्या सिद्ध हुआ? आज कुछ निर्णय करेंगे अपन, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको क्या करना चाहिए, खरेखर थोड़ी मेहनत करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब बहुत व्यायाम मांगता है। मैंने इसमें से इतना सिद्ध किया अभी कि जयसेन स्वामी खुलकर ये कह रहे हैं कि चौथा पांचवा और छठो गुणस्थान अपरम भाव को प्राप्त है, चौथा और पांचवा का सविकल्प दशा, और छठवा तो है ही सविकल्प, ये सब अपरम भाव है, और इनको व्यवहार को उपदेश दिया जाता है। आगे बढ़ते, जो आत्मस्वभाव में स्थित है उनको क्या व्यवहार का उपदेश दिया जाए? एक दिन उदाहरण दे रहा था मैं, जिस नारी को घर से बाहर निकलना नहीं है उसको क्यों टोक रहे हैं आप, बिछुड़ी नहीं पहनी, पायल नहीं पहनी, छोड़िए, और तुम होते कौन हो टोकने के लिए? वो उसके चार चौखट में है, वो बाहर निकलेगी तो टोक लेना भले ही, लेकिन वो बाहर तो ऐसा नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार व्यवहार किसको, जो अपरम भाव में आता है उनको। अब जो परम भाव में स्थित है उनको व्यवहार का क्या काम है? आगे बढ़ते हैं, जो लूला लंगड़ा है ही नहीं उसको वैसा ही देकर तुम करोगे क्या, वो क्यों लेगा? और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को ही दर्शन किया जाता है और वे ही आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद मतलब हमारे यहाँ वैसा नहीं है तुम्हारा बीवी बच्चों हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं, तो स्वस्ति, तुम्हारा अविनाशी कल्याण, आदान प्रदान छठे गुण स्थान में होगा सब, क्योंकि वो व्यवहार अपरम भाव में स्थित है। आगे बढ़ता हूं मैं, जयसेन स्वामी ने तो इतना कहा, अमृतचंद्र स्वामी गुणस्थान की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपरम भाव कहा। अभी अर्थ करने वाले ने क्या किया है, नीचे उन्होंने अनुत्कृष्ट मध्यम भाव ऐसा किया, तो मध्यम भाव से ऐसी थोड़ी गंध आ रही है कि ये चौथे से ही आगे की बात कर रहे हैं, और जयसेन स्वामी से मैंने पुष्ट करके दिखाया, और क्या बड़ी बात चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं है ऐसा शब्द, ये कहकर क्या कहना चाहता हो? मैंने टोडरमल जी को थोड़ा देखा, कहां पर देखा होगा टोडरमल जी को भाई साहब? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, इसलिए मैंने कल परसों भी कहा था, टोडरमल जी ने जितना जो जो कहा है समय सार के बारे में, कुनकुन स्वामी के साहित्य के बारे में, भले उन्होंने टीका नहीं की है, वो सब कलेक्ट किया जाए, समझा जाए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका का पीठिका का एक प्रश्न पढ़ता हूं, प्रश्न 18, अध्यात्म शंकाकार शंका पूछ रहा है, पीठिका तो पढ़ी होगी जिसमें काफी कहा है, एक जन ये कहता है
करणान्योग को क्यों पढ़ना चाहिए, इससे तो चरणान्योग पढ़े ये ठीक है, उससे तो द्रव्यान्योग पढ़े ये ठीक है, फिर कभी ये कहता है द्रव्यान्योग नहीं पढ़ना चाहिए, वो ऐसा है वैसा है, फिर अर्थ का पक्षपाती कहता है, फिर द्रव्यान्योग का पक्षपाती कहता है, चरणान्योग का पक्षपाती कहता है, ये सब बातें चल रही है। उसके बीच में एक जन ये कह रहा है अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है और यह गुणस्थान आदि सहित जीव का वर्णन है, इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरुद्धता भाषित होती है। वह कैसे है, विरुद्धता क्यों है? फिर कह रहे अध्यात्म शास्त्र में गुणस्थान से रहित जानने की बात करते और आपने हमारे यहाँ कान पकड़े ये कहकर तुम करणान्योग पढ़ो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीटिका चल रही है, इसको पढ़ा करो ये किया करो, अरे क्या होगा इससे? नए दो प्रकार के होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुणस्थानातीत विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है और व्यवहार नय से गुणस्थान आदि विशेष सहित अनेक प्रकार है। वह जो जीव यहाँ पर आज की भाषा में क्या कहेंगे भाई साहब, व्यवहार नय से जीव अशुद्ध है, आगे बढ़ता हो वह 16 वान वाले सोने की तरह, 15 ताव तक के सोने की तरह, 16 ताव नहीं। वह जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव का अनुभवते है उनको तो वह शुद्ध उपादेय रूप है, जो शुद्ध निश्चय नहीं है वही कार्यकारी है। जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं ऐसा अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है, वही अध्यात्म शास्त्र समयसार गाथा 12 में कहा है, शुद्धो शुद्धा देशो नादव्य परम भाव दरिशी हिम व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। कोट किया उन्होंने वहां पर, टोडरमल जी साफ साफ एक बात कहते नजर आ रहे, क्या? जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए है, एक मिथ्यत्वावस्था, भला मिथ्यत्वावस्था को छोड़ा कैसे जाता? क्योंकि मिथ्यत्वावस्था में उपदेश देकर वो उसको ग्रहण करके और तत्पश्चात सम्यक्तु को प्राप्त करता है। कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव समोशरण में जाते और कितने ही जीव सम्यक्तु को प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन है, असंख्यात जीव इतने इतने जीवों ने सम्यक्तु प्राप्त किया कहते हैं, फिर वो कैसे संभव होगा? और धर्मोपदेश ये ठेठ असंख्यात समुद्र में भी होता है। क्या कहा मैंने नीरज भाई, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। अभी वो समुद्र तो किसी ने भी नहीं देखे, ये जो समुद्र है जो 8-10 बोल रहे हैं इन समुद्रों की तो बात ही नहीं है, असंख्यात है। ऐसे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंश है श्रावक, भाई सब असंख्यात अनकाउंटेबल। कह रहे वहां पर कैसे सम्यक तो हो गया, कैसी बात करते हो तुम? कहते वहां पर भी और कारण कहे है, लेकिन अभी वहां पर भी उपदेश का योग बन जाता है। वह और भी कारण कहे, मैं अभी उलझना नहीं चाहता। उपदेश वहां पर कैसे हो सकता है भाई सब, वहां पर कैसे हो सकता है, कौन जा सकता है वहां पर उपदेश देने? अरे भैया देवों का विचरण तो सर्वत्र होता है, देव वहां जाकर उपदेश देते हैं, नारकियों को भी धर्मोपदेश श्रवण एक कारण का सम्यक तुम्हें, वहां पर कौन जाएगा? अरे कोई आदमी थोड़ी उपदेश करता है, मनुष्य ही थोड़ी करता है, देवों का तो सब जगह विहार है। तो वे जाकर वहां पर रावण के जीव को उपदेश दे आए, नरकों में भी तीसरी पृथ्वी तक प्रचुरता से उपदेश दिया जाता है, वहां पर भी उपदेश होता है, असंख्यात द्वीप समुद्र में भी जिसकी योग्यता बनी उसको भी उपदेश मिल जाता है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं भैया, मिथ्या दृष्टियों को उपदेश दिया जाता है, मिथ्या दृष्टि ही खरेखर अधिकारी पात्र है उपदेश के, चौथे आदि गुणस्थानवर्ती को बहुत आवश्यक नहीं है। देखो पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं कमा लेता हूं, मेरा कमाना आवश्यकता को नहीं दिखाता। ठीक उसी प्रकार चतुर्थ पंचम छठवां गुणस्थानवर्ती जीव उपदेश रात दिन सुनते करते हैं, देते भी, आवश्यक नहीं है उनको, ऐसा
लेकिन क्या करेंगे, वो तो कर रहे हैं, उसको आवश्यक नहीं है उनको। आगे राजमल जी स्वयं कहेंगे शास्त्राभ्यास की अटक नहीं है। अटकी नहीं होने पर भी करना बात अलग है, पाप में कैसे प्रवृत्ति करेंगे भैया। लेकिन आप उनको छोड़ा दो ग्रंथ से तो उनका कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता, कुछ भी नहीं हुआ करता। आगे बढ़ता हूँ, टोडरमल जी साफ साफ कह रहे जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं एक, तथा जो स्वानुभव दशा से छूट कर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए, सविकल्प मतलब मिथ्यात्व में नहीं आए, शुभोपयोग में आ गए, अभी अभी जयसेन स्वामी की भाषा में, ऐसा अनुत्कृष्ट भाव जो अशुद्ध स्वभाव उसमें स्थित जीव को व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। टोडरमल जी ने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया भाई साहब, वो कौन से, अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट। और यह अनुत्कृष्ट शब्द यहां पर आया है अर्थ में, तो ये शब्द तो खूब जमता है, क्योंकि अनुत्कृष्ट में 15 ताव वाला भी जमेगा। और सुनिए समझिए, अनुत्कृष्ट में 99% भी आएगा। और बोलिए, और बोलो भाई साहब, बोलो, जीरो भी आएगा। मैं कहकर क्या कहना चाहता हूँ, मिथ्यात्व का भी समावेश होने वाला है उसमें। अभी यहाँ पर जो उदाहरण है अमृतचंद्र स्वामी का, उस उदाहरण में भी समझिए, जो उसमें भी मध्यम भाव की एक गंध है भाई साहब। कैसे गंध है देखिए, वहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्चमान। मतलब क्या कहना चाहते ये, मतलब पच्चमान तो है वो सोना, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जिसको एक भी ताव नहीं मिला, ऐसी तो बात नहीं कर रहे हैं। फिर से समझिए आप, बिना ताव वाले सोने की बात नहीं कर रही है, ये प्रथम द्वितीय आदि की बात कर रहे हैं। मतलब इनका संकेत कहाँ पर जा रहा है, सविकल्प दशा की तरफ जा रहा है। और मैंने पुष्टि कहाँ से की, अभी अभी जयसेन स्वामी की टीका से पढ़ के दिखाया भाई साहब, पढ़ के दिखाया मैं। अब मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने पहले प्रथम द्वितीय आदि ताव की बात की, मतलब सविकल्प अवस्था। अभी जयचंद जी ने क्या कमाल किया है यह आपको तो समझना पड़ेगा, और यह सब बहुमान जयचंद जी के खाते में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, जयसेन स्वामी, जयसेन आचार्य और अमृतचंद्र स्वामी का लगभग रुख सविकल्प के तरफ है। मिथ्या तो कवि निषेध कर रहे हैं ये मुझे नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने इसी की बात रखी है, लेकिन कोई इतनी ही बात नहीं समझे, इसलिए जयचंद जी ने और एक बात कही है। देखो अभी जयचंद जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा जयचंद जी को खोलेंगे भाई साहब, अभी मैं पर्टिकुलर लाइन पढ़ूंगा। देखिए भावार्थ है आपके पास, हाँ देखिए मैं भावार्थ की कुछ लाइन पढ़ूंगा। लोक में सोने के 16 वान प्रसिद्ध है, 15वें वान तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कालिमा रहती है, इसलिए जब तक वह अशुद्ध तब तक अशुद्ध कह लेता, और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है तब वह 16 वान या 100 टंची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें 16 वान वाले सोने का ज्ञान श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई उन्हें 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। है ना, गरीब लोग रहते वो चांदी का बनाते और चांदी का घूमते रहते, चांदी की अंगूठी बना लेते हैं साधारण लोग, चांदी की अंगूठी, और उनको लगता है हम बहुत हो गए। अभी जिनकी औकात हो गई वो चांदी काई के लिए पहनेगा, जिनको 16 ताव वाला शुद्ध के सोने की अनुभूति हो गई सामने आ गया, 15 ताव वाला उनका क्या काम। आगे उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ जो कि पुद्गल के सहयोग से, भाई साहब इन्होंने भी एक बात की जयचंद जी ने, क्या उन्होंने प्रथम आदि ताव की बात नहीं की, उन्होंने क्या बात कही 15 ताव तक, यह कहकर क्या कहना चाहते हुए, बिना ताव वाला भी दिमाग में लेना, क्योंकि वो तो किट्ट कालिमा से युक्त है ही है, उसमें ऐसा थोड़ी उसमें ताव नहीं लगेंगे। पहले ताव वाला इम्प्योर है उसमें और 15 ताव चाहिए, लेकिन जिस जो बिना ताव वाला है उसको 16 ताव चाहिए और वो तो पूरा इम्प्योर पड़ा है। इन्होंने प्रथम आदि ताव की बात नहीं की, क्योंकि ये क्या कहना चाहते ये देखिए आगे,
इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। हाँ, उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान श्रद्धा और आचरण रूप प्राप्ति यह तीनों जिसे हो गए हैं उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। ठीक है ना? पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता मतलब अशुद्धता मतलब, अरे इनका भी राग है ना अभी लगा परद्रव्यों में। ऐसा नहीं कि परद्रव्य के संयोग की बात कर रहे, परद्रव्य में जितना जितना इनका राग बचा है उतना उतना अशुद्ध ही द्रव्य है अभी अपरम भाव में स्थित। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। आगे बढ़ते हैं, जहां तक यथार्थ अभी समझिए बात को, जहां तक यथार्थ ज्ञान दर्शन की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, आगे बढ़ता हो, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। किसकी बात कह दी इन्होंने? मिथ्यात्व की। देखिए आप समझे बात को, जो जयचंद जी ने हमको दिया वो कितना सरलीकरण में आ गया, वहां से कैसे निकलेंगे आप, निकलने का प्रयास करें। और वो मध्यम भाव भी रख दिया है, ऊपर है ही नहीं और अनुत्कृष्ट शब्द भी नहीं है, लेकिन वो जमता है बहुत। अभी देखिए आगे साफ ये बात कह दी, फिर और एक बात कह रहे आगे। यह तो मिथ्या दृष्टियों के लिए कहा कि जिनको ज्ञान श्रद्धा की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो उनके लिए आगे, और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है यह साधक कौन? चौथा, पांचवा, छठवा, आदि। आदि मतलब अब देखो किनको लेना है, जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है। साक्षात प्राप्ति का तात्पर्य शुद्ध उपयोग। क्या कहा? फिर से चौथे पांचों गुणस्थान में आत्मा की प्राप्ति हुई है? हा जरूर हुई है, 41 प्रकृतियों का निरोध है, लेकिन युद्ध आदि के काल में साक्षात प्राप्ति नहीं है उनको। एक विशिष्ट शब्द जयचंद जी का है ये। फिर से जिन्हें ज्ञान श्रद्धा तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। साक्षात प्राप्ति मतलब शुद्ध उपयोग नहीं है, सविकल्प दशा, निर्विकल्पता नहीं है। उन्हें पूर्वकथित कार्य, पूर्वकथित कौन कौन से कार्य? जिन उपदेश को सुनना, जिन गुरु की भक्ति करना, देव दर्शन करना, जिन बिंब के दर्शन करना आदि आदि इसमें करना। आगे प्रवृत्त पूर्वकथित कार्य, आगे परद्रव्यों का अलंबन छोड़ने रूप अनुव्रत, अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण अभी तक नहीं बोला था, ये अभी तक नहीं बोला क्योंकि चौथा गुणस्थानवर्ती को कहा जा रहा है अनुव्रत ग्रहण करो, पांचवे को कहा जा रहा है महाव्रत ग्रहण करो, छठवे वाले को कहा जा रहा है अच्छे से ग्रहण करो। तुम जानते हो ऐसा करने पर तुम्हें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, अभी ये नहीं चलेगा ऐसा ग्रहण। समिति गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति, सत्संग, जो जो ऐसा कर रहे उन्हीं के संग में उठना बैठना की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना ऐसे व्यवहार ने को उपदेश करना प्रयोजनवान है। सफलता देखिए आप जयचंद जी का मार्किंग करना है यदि कॉन्ट्रीब्यूशन, तो भाई साहब आपको देखना पड़ेगा। अमृतचंद्र स्वामी जी ने कुछ खोला ही नहीं है और सामान्य आदमी पूछता बैठते अपरम भाव में लगेगा कौन। आपको और यहां पर ताव भी प्रथमादि ताव की बात लिखी है।
हालांकि अमृत चंद्र स्वामी के दिमाग में मिथ्यात्व को नहीं लेना ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उभर कर उन्होंने उसकी मुख्यता से चर्चा करी, वो भी गौण है। अभी जयसेन स्वामी को और एक लाइन पढ़ूंगा। हाँ बोलिए। लेकिन आपका बात सही है, बराबर बता रहा हूं। इसमें भाई साहब व्यवहार के द्वारा उपदेश ही की बात नहीं है, व्यवहार का उपदेश की भी बात है। मतलब जो अपरम भाव में स्थित है उनको व्यवहार को उपदेश दिया जाए। बात उनके व्यवहार न होने की नहीं है मिथ्या दृष्टि के। उपदेश तो उनको सम्यक दृष्टि देगा ना, उपदेश तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि देगा। आपका ये जो प्रश्न है अमृतचंद्र स्वामी जी के मंतव्य में ये तो नहीं है कि निश्चय और व्यवहार ज्ञानी के ही हुआ करता है, अज्ञानी के होता नहीं, इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व की बात नहीं की। लेकिन ऐसा भी इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि मिथ्यात्व के निश्चय व्यवहार होने न होने की बात नहीं है। उपदेश उनको व्यवहार से दिया जाएगा तो उपदेशदाता तो उनको सम्यक दृष्टि है देने वाला, तो व्यवहार द्वारा उनको उपदेश दिया जाएगा, भैया कल मंदिर आया करो रोज, ये सब आते हैं तुम क्यों नहीं आ रहे हो। ये बोला जाता है एक मुसलमान भी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक मुसलमान भी जब नमाज पढ़ने जाता है घर से निकलता अकेला है और मस्जिद तक 500 जन पहुँच जाते हैं, अरे जिनका तत्वज्ञान जो अभी अभी नया खड़ा हुआ है, दर्शन जो इतना लेटेस्ट वाला है, 600-700 वर्ष पहले वाला, वे भी कहते हैं जिनका कुछ भी समझ में नहीं आता, वे भी जब इतना कर रहे हैं, तुमको तो सतर्क सयुक्ति अच्छा जैन शासन मिला है, तुम सत्संग क्यों नहीं करते, तुम भी क्यों नहीं जाते रोज बुलाते हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है उनको व्यवहार को उपदेश दिया, उसको सम्यक्ति होना जरूरी नहीं है। तो और फिर ऐसा यदि हो तो फिर जयचंद जी क्यों छूते, इसका मतलब अमृत चंद्र देव भी इसको मानते हैं ऐसा। तभी तो 15वें तक भले ही एक आदि कहा है लेकिन एक आदि में 0 भी शामिल समझना चाहिए हमको, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इनको कुछ कहना और इनको कुछ कहना है, फिर तो ऐसा थोड़ी होगा, दोनों का संधि बिठाना पड़ेगा हमको। और जयसेन स्वामी और एक बात कहते हैं, जयसेन स्वामी कहते हैं कि व्यवहार को उपदेश किसको क्यों, तो जयसेन स्वामी ने और एक बात कही है, मिथ्यात्व विषय कषाय से बचने के लिए यह व्यवहार प्रयोजनवान है। और मैंने बचने के दो अर्थ किए भाई साहब, दो अर्थ कौन से करने पड़ेंगे, बचने के लिए मतलब मिथ्यात्व से हटकर ऊपर जाने के लिए अर्थ एक, और एक तो ऊपर है चौथे पांचवें में, नीचे नहीं आए, बचने के दो अर्थ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एकांत ढल जाएगा साधक अवस्था में। और मिथ्यात्व की मुख्यता से, क्योंकि अभी ग्वाला है उसको व्यवहार को उपदेश नहीं दिया क्या आठवीं गाथा में, वो कौन सा क्या चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती सविकल्प दशा वाला थोड़ी है जो उसको व्यवहार को उपदेश दिया गया है, वो तो ठेठ मिथ्या दृष्टि है। मतलब मिथ्या दृष्टि को इसमें लेना है, ये मैंने टोडरमल जी को कोट किया, जयचंद जी को कोट किया, ये दोनों को कोट करके मैं इतना कहना चाहता हूँ, अमृत चंद्र स्वामी के अर्थ को समझने समय जयसेन स्वामी भी जब चौथे पांचवे ही की बात करते वो उसको भी उनको भी कहते समय इस बात को गर्भित समझना टीका में कि ये मिथ्यात्व को भी लागू करना है अपरम भाव। और तीन अपेक्षाएं तो मैं बोल ही रहा था, मिथ्यात्व अपरम भाव, चौथे से आगे परम भाव, छठवें तक अपरम भाव, सातवें के आगे परम भाव निर्विकल्प दशा, और एक तो अरहंत अवस्था परम भाव में स्थित। और एक प्रकार से विचार करेंगे अशुद्धता खरेखर तो 14वें गुण स्थान तक है, लेकिन भगवान लायक पद की प्राप्ति 13वें में हो गई है इसलिए उनको परमात्मा दायरे में रखा जाता है। ये तीन अपेक्षा समझना चाहिए। और व्यवहार में क्या क्या लिया इन्होंने, अभी हमने देखा इन्होंने देव दर्शन ले लिया, उपदेश लेना देना ले लिया, अणुव्रत महाव्रत ले लिया। व्यवहार के द्वारा उपदेश करने योग्य है, मतलब व्यवहार करते यहाँ पर अभी गुण भेद तक सीमित नहीं रखना जैसे 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में था। यहाँ पर जयचंद जी पहली बार व्यवहार का अर्थ ऐसा भी कर चुके हैं,
और अनुव्रत महाव्रत कहकर उस संबंधी शुभ भाव समझना चाहिए। शुभ भाव जाना हुआ प्रयोजनवान है, मुझे ऐसा करने लायक है, ऐसा भाव आया राग भाव वही व्यवहार तो फिर मेरा पतन नहीं होगा। इसलिए शुभ भाव के दो लाभ होते हैं। शुभ भाव के कौन से दो लाभ होते हैं? एक तो वो गिरने नहीं देता पाप में, इतनी बात नहीं है, शुद्ध भाव के अवसर भी दिलाता है वो। ऐसे दो काम उसके माध्यम से होते हैं। शेष चर्चा अपन फिर करेंगे। ओम नमः।